बहुत ज्यादा छोटा कर दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बजे है सुबह के 8। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। एंड आज का जो ये व्लॉग है ये मैं शूट कर रही हूँ 5 मई को, और आज दिन है, आई डोंट नो आज क्या दिन है। और मैं उठ गई हूँ सुबह ही, बट थोड़ा सा वर्क मेरा आ गया था मॉर्निंग में ही, तो मैं उसे कंप्लीट कर रही थी। तो अभी हो गया ब्रंच का टाइम, 12:30 बज रहा है अभी। बट मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, पराठे, आलू फ्राई एंड मम्मा के हाथ का अचार, जो कि मैं लास्ट दुर्गा पूजा में लेके आई थी। और अभी तक ये चल रहा है, मुझे मेरी मम्मी के हाथ का अचार बहुत टेस्टी लग रहा है लगता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पराठा, आलू भुजिया और आम के अचार का, मुझे बहुत ही ज्यादा, लेट मी नो अगर आपको भी ये पसंद आता है तो। एंड दिन आज क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक बात मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे बहुत हंसी भी आ रही है कि एक बार ना जब मैं अपने भाई से बात कर रही थी जो कोलकाता में रहता है, और एक्चुअली हम लोगों की बात जो है सैटरडे संडे वीकेंड में होती है, तो मैंने उससे पूछा कि आज संडे है आज तो क्या प्लान है आज का, तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब जिंदगी हो झंडवा तो क्या संडवा क्या मंडवा, मतलब जब जिंदगी झंड हो तो क्या संडे क्या मंडे। तो वो बात मुझे तभी, मुझे बहुत हंसी आई थी, बट वो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि लाइफ जो है ऐसी हमारी झंड हो गई है, तो क्या दिन है, क्या सैटरडे है, क्या वीकेंड है, इससे कोई मतलब नहीं है, पूरा दिन ही वैसे का वैसे ही जा रहा है। आई विश ना कि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए, और यू नो मुझे अपने कॉर्पोरेट लाइफ और ऑफिस का लाइफ और बिजी लाइफ अभी बहुत ज्यादा, मतलब मैं मिस कर रही हूँ अभी उन सब चीजों को, क्योंकि अभी ये बहुत हो गया यार, ये लेजीनेस, 8-9 बजे तक सोना, रात को लेट नाइट पिक्चर्स देखना, दिन भर काम करना, और ऐसे ही वेले की तरह, मतलब वेले की तरह तो नहीं, काम वाम तो कर ही रहे हैं हम लोग, बट होता है ना एक घर के कपड़ों में घूमते रहना, थोड़ा सा मतलब लथार्जिक फील होने लगा है मुझे। तो आई रियली वॉन्ट कि ये सब जल्दी से खत्म, अगर हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ में आए तो जिंदगी हो झंडवा तो क्या संडवा क्या मंडवा। तो आप भी इसे रिलेट कर पा रहे हो, और आपको पता है झंड का मतलब क्या होता है, पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे बस पता है ये कमेंट कर देना, तो मुझे लगेगा अच्छा कि चलो आप लोगों को भी पता है। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ, भूख तो लग रही है बड़ी जोर की। आप लोगों ने क्या ब्रेकफास्ट किया यार, आप लोग क्या बना रहे हो, लॉकडाउन में कुछ स्पेशल चल रहा है या नहीं, बताते ही नहीं हो आप लोग कुछ। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ।
इतनी जल्दी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना है जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मदर्स डे स्पेशल वीडियो है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी होता है। पालक डालने के बाद इसे लिड से कवर ना करें, नहीं तो यह पानी छोड़ देगा और टेस्ट खराब हो जाएगा। बाहर मौसम इतना बेटर हो रखा है, मैं बिल्कुल पकौड़े खाने का भी मौसम है, मैं पकौड़ा नहीं बना रही हूँ। पूरा बादल से घिरा हुआ, भी बहुत जोर की बारिश होने वाली है आई थिंक, और आपकी सिटी में हो रही है या नहीं डू लेट मी नो, बट वाइजैक में तो बहुत जोर की होने वाली है। बट मौसम इतना अच्छा है कि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टेरिस पे घूम के आऊँ बारिश शुरू होने से पहले 5-10 मिनट के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ नज़ारा कैसा है बाहर का। अभी बजे सुबह के 8 और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ, तो सोच रही हूँ कि कोई एक हेयर मास्क लगा लूँ, बिकॉज कुछ दिन से मेरे जो बाल है बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो गए हैं। तो अभी मैं फटाफट से वो हेयर मास्क लगा लूंगी, तो जो बाकी सारा काम है झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करते करते वो ड्राई अप हो जाएगा। उसके बाद मैं लूंगी स्टीम, देन आफ्टर मैं वॉश करूंगी। आज है वेडनेसडे 6 May आई थिंक, तो आज जो है मुझे हेयर वॉश करना है। वेडनेसडे और संडे दो दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ वीक में 2 बार। तो रात में मैंने लगा लिया था बहुत सारा ऑयल, जैसे कि आपने देखा था इनसे मैंने लगवाया था। एंड चलिए हेयर मास्क की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ड्राई और फ्रिजी हेयर के लिए। मैंने इनको दिखाए कुछ ब्लॉग्स जिसमें वाइफ्स अपने हस्बैंड के बाल जो है कट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई सैलून वगैरह खुला नहीं है और सब जो है ग्रो होना चालू हो गए हैं। तो जो रिएक्शन है वो उल्टा हो गया, ये बोल रहे कि मैं तुम्हारा बाल कट करके देता हूँ, एंड इन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया है आई डोंट नो कैसे। तो चलिए अभी बाल कटवाते हैं, नर्वस होगा मेरे बालों का, लेट्स सी।
गाइस ऐसे काटा इन्होंने मेरा बाल, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया है। बट कैसा दिख रहा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक ही है, अभी घर पे ही रहना है तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। कमेंट पोस्ट करना है, दैट्स इट। एंड यस, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।